गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 4। सो यूनिट 4 में हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि दैट हाउ मच वी हैव कवर्ड इन दिस सेशन, इन दिस यू नो यू कैन से इन दिस यूनिट। सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा मैनेजरियल ग्रिड पे बात करेंगे हम, ठीक है। दैट इज गिवन बाय रॉबर्ट आर ब्लेक। सो हम बात करेंगे मैनेजरियल ग्रिड पे, मैनेजरियल ग्रिड डेवलप्ड बाय रॉबर्ट आर ब्लेक। द टू डायमेंशन ऑफ लीडरशिप विज कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। सो जो रॉबर्ट आर ब्लेक ने मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी दिया है उनका कंसर्न क्या था, किस बेसिस पे इन्होंने ग्रिड दी थी, दैट इज गिवन बाय रॉबर्ट आर ब्लेक एंड द बेसिस ऑफ एंड द पर्पस ऑफ बिहाइंड दैट विल आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू यू नो फर्दर। बट उनका जो मेन कंसर्न था किन किन चीजों पे था, द कंसर्न वॉज ऑन द पीपल एंड फॉर प्रोडक्शन, पीपल एंड प्रोडक्शन पे उनका फोकस था, ठीक है। एंड हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन्स जेन्स एस, ठीक है। रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन्स जेन्स एस ने इसको डेवलप किया था, मॉडर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म अ ग्रिड। द वर्ड ग्रिड मीन्स एन आयरन ग्रेटिंग, अ फ्रेमवर्क ऑफ पैरेलल बार्स। ब्लेक एंड मॉडर्न आइडेंटिफाई फाइव बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू डायमेंशंस, ठीक है। सो आपको थ्योरी पार्ट से ज्यादा आपको समझने की जरूरत है इस चार्ट को, ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मैनेजरियल ग्रिड इज गिवन बाय हु, आपके सामने चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ऑथर्स की नेम दे दिए जाएंगे और आपको चूज करना होता है करेक्ट आंसर। तो यू विल आंसर, अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद रहेगा एग्जाम के टाइम, तो आप आंसर कर सकते हैं इजिली दैट मैनेजरियल ग्रिड इज गिवन बाय रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेम्स एस, ठीक है। एंड इनके इनके उन्होंने आपको क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है दैट 19 का क्या मतलब है, 99 का क्या मतलब है, 11 का क्या मतलब है, 91 का क्या मतलब है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये पार्ट देखेंगे आप, सेकेंड पार्ट में देखेंगे, थर्ड फोर्थ, यहाँ पर चार्ट के बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में आएगा मिडल रोड 55। तो ये सारी चीजें क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। सो यहाँ पर आपको क्या समझना है, मैं आपको दूसरा चार्ट दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे बात जो कर रहे हैं ब्लेक एंड मॉर्टन ने क्या बात की थी, प्रोडक्ट एंड पीपल के लिए बात की थी उन्होंने, ठीक है। उनका कंसर्न किस पे था, उनका कंसर्न था पीपल एंड प्रोडक्ट दोनों पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट की बात की, पीपल की बात नहीं की, या फिर पीपल की बात की और प्रोडक्ट की बात नहीं की, उन्होंने दोनों को साथ में लेके चले, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो आपको समझना क्या है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि 99 किस पे बेस्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड पीपल में 99 को आप क्या समझेंगे, किस तरह से समझेंगे, टीम हाई स्ट्रक्चर एंड हाईएस्ट कंसीडरेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट देखेंगे आप 19। सो ये 19 से आप क्या समझेंगे, 19 कंसीडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर, ठीक है। सो लो स्ट्रक्चर किस क्यों बोला गया इसको, 99 को अपने टीम हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, 11 को क्या बोला गया, इम्पॉवरिस्ट, लो स्ट्रक्चर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड 91 हाई स्ट्रक्चर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको इसको हम पहले चार्ट देखेंगे, एंड ये जो पार्ट मैंने इसको बाहर लिखा है, ठीक है, मिडिल रोड, मिडिल रोड यहां पर होगा, ये आपका मिडिल रोड होगा, इसको हम 55 से डिनोट करेंगे, ठीक है, 55। सो पहले हम चार्ट देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, हम ग्राफ में क्या दिया हुआ पहले समझेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखेंगे इनिशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, हम इनिशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जहां पे ये आपका जो फेज होगा लो टू हाई, ये लो और ये हाई, ठीक है, उसी तरह ये भी होगा लो एंड ये होगा आपका हाई, ठीक है। सो नीचे आप देखेंगे जो ये आपका ये जो ग्राफ है, ग्राफ में आप नीचे देखेंगे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बनेगा, और ये आपका बनेगा कंसर्न फॉर पीपल। सो कंसर्न फॉर पीपल,
जब आप बात करेंगे कंसर्न फॉर पीपल, तो जब कंसर्न फॉर पीपल की बात करेंगे, तो अगर सपोज आप बात करते हैं कि अगर पीपल का जो कंसर्न है लो है और वहीं पर जो प्रोडक्ट है हाई है, तो किस तरह से इसको डिनोट करेंगे? वहीं पर अगर आप बात करते हैं कि जो पीपल है वो हाई है बट प्रोडक्ट लो है, तो उसको किस तरह से डोनेट करेंगे? अब हम अगेन पहली स्लाइड में आएंगे और देखेंगे वन एंड नाइन नाइन का क्या कॉम्बिनेशन है. ठीक है, वन किसको दर्शाता है और नाइन किसको दर्शाता है? यहाँ पर देखेंगे कंसिडरेशन कंसिडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर. ठीक है, सो लो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसका मतलब कि प्रोडक्ट पे कम ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट पे कम ध्यान दे करके पीपल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ की तरह से बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा वन एंड नाइन. ठीक है, सो पीपल लो हो गया. ठीक है, लो स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो लो हो जाएगा और पीपल हाई हो जाएगा, तो वहीं पर वो वन एंड नाइन का रेशियो बनेगा उसका. ठीक है, वहीं पर देखेंगे नाइन नाइन, तो यहाँ पे पीपल एंड प्रोडक्ट दोनों हाई हैं. ठीक है, हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कॉन्सिडरेशन. ठीक है, कॉन्सिडरेशन भी हाई है, स्ट्रक्चर भी हाई है, मीन्स पीपल एंड प्रोडक्ट दोनों ही हाई है. ठीक है, जब दोनों हाई होगा तो वो नाइन नाइन का रेशियो बनेगा. ठीक है, नाइन नाइन बनेगा. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइन नाइन से आप क्या समझते हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, टीम हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कॉन्सिडरेशन, या फिर कॉन्सिडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर, या फिर इम्पॉवरिश लो स्ट्रक्चर एंड लो कॉन्सिडरेशन, या फिर हाई स्ट्रक्चर एंड लो कॉन्सिडरेशन. तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ब्लैक एंड मॉर्टन के आपके आपने ग्राफ को देखा होगा, मैनेजरियल ग्रिड को अच्छे से समझा होगा, तो आप आंसर इजिली कर पाएंगे दैट नाइन नाइन इज फॉर टीम हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कॉन्सिडरेशन. ठीक है, उसी तरह अगर आप जब बात करेंगे हाई स्ट्रक्चर एंड लो कॉन्सिडरेशन, इट मीन्स कि जो आपका स्ट्रिक्स जो स्ट्रक्चर है, लाइक जो प्रोडक्ट है वो हाई है, लेकिन जो पीपल के लिए आपका कंसिडरेशन जो है वो लो है, तो वहां पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा नाइन एंड वन का बनेगा. आपने फोर्थ सेल में देखेंगे, आप जो फोर्थ टेबल है उसमें आप देखेंगे कि नाइन एंड वन का रेशियो दिया गया है. नाइन नाइन आपका यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट को और वन आपका दिखा रहा है पीपल को. यहाँ पे हाई स्ट्रक्चर है मतलब प्रोडक्ट हाई है, लेकिन जो कंसिडरेशन है पीपल का वो लो है, इट मीन्स कि नाइन और वन का बना हुआ है. उसी तरह ये सारे आपको देखने को मिलेंगे वन एंड नाइन. वन को कैसे समझेंगे, मीन्स कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 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 आपका पीपल है वो लो है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो हाई है, तो वहां पे वन नाइन का रेशियो बन जाएगा. वन वन में क्या हो जाएगा, दोनों ही लो है, प्रोडक्ट भी लो है एंड पीपल भी लो है. ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. मिडिल रोड में आप क्या देखेंगे, दोनों इक्विवेलेंट है. ठीक है, दोनों मॉडरेट है, मिडिल रोड पे है. ठीक है, सो इस तरह से आप इसको इस ग्राफ को समझेंगे, ब्लैक एंड मॉर्टन के मैनेजरियल ग्रिड को आप इस तरह से समझेंगे. अगर आपको लगता है कि कहीं पे डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आया हो एक्सप्लेनेशन में, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो मैं दूसरा सेशन लूंगी, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे मुझे कमी है, पीपीटी स्टाइल में कमी है, कॉन्टेंट में कोई कमी है, या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल में कोई कमी है, तो मैं उस पर बात करूंगी. राइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. ठीक है, यहाँ पे इनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, मैं आपको एक पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आपको अगर ग्राफ के थ्रू नहीं समझ में आया हो तो आप थ्योरी से समझ पाएंगे इसको. ठीक है, सो फर्स्ट देखेंगे नाइन वन मैनेजेरियल स्टाइल टास्क की बात करता है. ठीक है, जो नाइन एंड वन मैनेजेरियल स्टाइल है वो टास्क की बात करता है. पीपल आर रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर नाइन वन मैनेजेरियल स्टाइल. इट इज एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. This style places a heavy emphasis on task. Product मतलब कि task पे focus कर रहे हैं, product पे focus कर रहे हैं, ना कि people पे product focus कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए nine को denote कर रहा है product कर रहा है, task कर रहा है, वहीं पर one को people. So task and job requirement. The use of power in the authority obedience is the basis of control. Human relationship and interactions are minimized. So यहाँ पे जो human relations हैं और interactions हैं दोनों मिनिमाइज कर दिए गए हैं इस स्ट्रक्चर में, नाइन वन मैनेजरियल स्टाइल में, क्योंकि इस पे फोकस जो है वो टास्क पे है, इसलिए रिलेशनशिप को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया. रिलेशनशिप को ना ध्यान देकर उन्होंने टास्क पे ध्यान दिया. तो क्योंकि जो ब्लैक एंड मॉर्टन थे उनका जो मेन कंसर्न था पीपल एंड प्रोडक्ट दोनों पे ही कंसर्न था उनका, इसलिए उन्होंने पहले दर्शाया कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, सिर्फ टास्क पे ध्यान देते हैं, तो क्या कमी हो जाएगी, पीपल को लेकर आपको क्या सफर करना पड़ सकता है, जैसे रिलेशनशिप में वहीं पे लैक आ जाता है. अगर आप सिर्फ हाईली मोटिवेटेड हैं, हाईली इंफेसाइज्ड हैं,
टास्क को लेकर के, तो वहां पर रिलेशनशिप आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है, इम्प्लॉय इम्प्लॉयर्स के बीच में, प्रोडक्ट एंड जो इम्प्लॉयज का जो जो रिलेशनशिप होता है, यू कैन से जो इंडस्ट्री का एक पीपल के साथ रिलेशनशिप होता है, तो जहां पे अगर आपका प्रोडक्ट के लिए, आपका जो टास्क के लिए जब आपका इम्फेसाइज हाई हो जाएगा, वहीं पर आपका जो रिलेशनशिप होगा डाउन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड हिज सबॉर्डिनेट्स इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड ऑबिडियंस। सबॉर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ऑर्डर विथ एन अनक्वेश्चनिंग ऑबिडियंस। मतलब कि जब टास्क पे फोकस हो जाते हैं मैनेजर्स, तो वहां पे उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है सबॉर्डिनेट्स के साथ, दैट कि हम जो भी कह रहे हैं टास्क करने को वो करें बिना विदाउट एनी क्वेश्चन। तो वहां पे रिलेशनशिप कहाँ पे आपको देखने को मिला, क्योंकि वहां पे रिलेशनशिप तो है ही नहीं, वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पे इंटर रिलेशनशिप नहीं है, इंटरक्शंस नहीं है वहां पर, ठीक है, वो मिनिमाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली। दूसरा देखेंगे वन नाइन मैनेजरियल स्टाइल, कंट्री क्लब, इसको हम वन नाइन मैनेजरियल स्टाइल को हम कंट्री क्लब बोलते हैं, वहीं पर 9-1 मैनेजरियल स्टाइल को हम टास्क बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है दैट कि 9-1 को क्या बोलेंगे, टास्क बोलेंगे, कंट्री क्लब बोलेंगे, इंपॉवरिश बोलेंगे या मिडिल रोड बोलेंगे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं दैट 9-1 को मैनेजरियल, 9-1 मैनेजरियल स्टाइल को टास्क बोलते हैं, वहीं पर 1-9 मैनेजरियल स्टाइल को कंट्री क्लब बोलते हैं, ठीक है, 5-5 को मिडिल रोड बोलते हैं। तो आपने अगर अच्छे से, क्योंकि इसमें तीन चार तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, पूछे जा चुके भी हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की इस तरह से फॉर्मेशन होते हैं, राइट। सो अंडर दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वर्क इज डन लेजरली एट बेस्ट, पीपल आर रिगार्डेड रादर देन ड्रिवन। सबॉर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू टर्न आउट सम वर्क टू अवॉइड ट्रबल। द बॉस इज मोर ऑफ ए बिग ब्रदर देन द ऑटोक्रेटिक लीडर। सोशल रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। द ग्रुप नॉट द इंडिविजुअल इज द की इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द ग्रुप नॉट द इंडिविजुअल इज द की इन द रिलेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कंट्री क्लब में क्या है कि जो ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है रादर देन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल पे फोकस ना देकर उन्होंने ग्रुप पे फोकस किया है। द एम इज टू अचीव फ्रेंडलीनेस एंड हारमोनी एमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका जो मेन फोकस है कंट्री क्लब का, दैट द कंट्री क्लब फोकसिंग ऑन ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल, एंड उसका मेन मोटो क्या है, वॉट इज द यू नो मोटो बिहाइंड दैट, टू अचीव द एम फ्रेंडलीनेस एंड हारमोनी एमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 1-1 का क्या है, 1-1 को क्या बोलेंगे, 1-1 जो मैनेजरियल स्टाइल है दैट इज कॉल्ड इम्पावरिस्ट। सो इसको समझेंगे, अ मैनेजर विद दिस ओरिएंटेशन एक्सर्ट्स मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्टैक्ट विद ग्रुप मेंबर्स, ही एक्सप्रेसेस लिटिल कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और पीपल। इसमें पीपल एंड प्रोडक्ट दोनों के लिए ही, लिटिल कंसर्न शो करते हैं। इन अ सुपरवाइजरी पोजिशन ही इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एग्जीक्यूटिव मैसेंजर कैरियर फंक्शंस कम्युनिकेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द लेयर अबव द अबव टू द लेयर बिलो। ही इज एन एक्सपर्ट इन पासिंग ऑन ब्लेम टू अदर्स फॉर फेल्योर्स इन सच अ वे दैट द दैट ही एब्सॉल्व्स हिमसेल्फ फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, येट ही रेयरली इनिशिएट्स क्रिटिसिज्म स्पॉन्टेनियसली। सो ऑल ओवर आपको सिर्फ इतना समझना है इसमें कि जो 1-1 मैनेजरियल स्टाइल है दैट इज कॉल्ड इम्पावरिस्ट, एंड इसमें पीपल एंड प्रोडक्ट दोनों के लिए ही लिटिल कंसर्न शो करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। फोर्थ देखेंगे द 5-5 मैनेजरियल स्टाइल, इसको क्या बोलेंगे, मिडिल रोड बोलेंगे। द पीपल डायमेंशन इन द वर्क सिचुएशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज द प्रोडक्ट प्रोडक्शन डायमेंशन। सो इसमें पीपल एंड प्रोडक्शन दोनों को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। The 5-5 style seeks to maintain a balance between the two. तो इसमें क्या है कि ये जो स्टाइल है इसमें बैलेंस करते हैं, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट एंड पीपल के बीच में एक बैलेंस होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल रोड। अ बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस स्टाइल इज दैट पीपल विल वर्क विलिंगली एंड सो एज दे आर टोल्ड इफ द रीजंस फॉर डूइंग सो आर एक्सप्लेन टू देम। Another important aspects of 5-5 concern is the informal relationship. It does not just monitor the grapevine or oversee work performance.
बट एक्टिवली यूजेस द इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल सिस्टम टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल पर्पजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वहां पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अब एक बैलेंस होता है प्रोडक्ट एंड पीपल के बीच में। अब बेसिक अजम्पशंस ऑफ दिस स्टाइल इज दैट पीपल विल वर्क विलिंगली एंड सो एज दे आर टोल्ड इफ द रीजंस फॉर डूइंग आर सो एक्सप्लेन टू देम। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो उन पे कोई फोर्स नहीं किया जाता है, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है, बल्कि वो विलिंगली काम को करते हैं, वो विलिंगली काम करना चाहते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ 5-5 कंसर्न इज द इनफॉर्मल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है वो फॉर्मल ना होके, स्ट्रक्चर्ड ना होके, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इनफॉर्मल होता है, जहाँ पे क्योंकि जो आप कहते हैं ना कि अगर फॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है जो वो थोड़ा सा स्लो काम करता है, ठीक है, और वहीं पर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप वो थोड़ा जल्दी बाउंड कर लेते हैं, उनकी रिलेशनशिप जल्दी घुल मिल जाते हैं, चीजों को जो जो इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, वो जो न्यूज होती है स्प्रेड होती है, बड़ी जल्दी स्प्रेड होती है, तो उनका एक जो बैलेंस होता है पीपल के बीच में, प्रोडक्ट के बीच में, तो ये जो स्टाइल है क्या फॉलो करती है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप फॉलो करती है। इट डज नॉट जस्ट मॉनिटर द ग्रेप वाइन और इसके साथ साथ जो इनफॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप के साथ साथ वो ग्रेप वाइन जो चीजें मार्केट में फैली हुई है, इन्वायरमेंट में फैली हुई है, उन पर एक बैलेंस भी बनाता है। ठीक है, वर्क परफॉर्मेंस बट एक्टिवली यूजेस द इनफॉर्मल सिस्टम टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। और ये जो सिस्टम है ना, इनफॉर्मल सिस्टम, वो अपने पर्सनल यूज के लिए ना यूज करके वो ऑर्गेनाइजेशनल के पर्पस के लिए ही, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए की, अगर आप कहें तो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पजेस के लिए ही ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है इन द मिडिल रोड इन द 5-5 मैनेजेरियल स्टाइल। Right, so these are the managerial styles, managerial grid of Blake and Morton. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताया, जैसा कि managerial grid is developed by Robert R. Blake, Morton and James S. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें 1-9 क्या डिनोट करता है, 9-9 क्या डिनोट करता है, 1-1 को क्या कहेंगे, 9-1 को क्या कहेंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो लो पीपल एंड लो प्रोडक्ट की जब बात आएगी तो उसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा मैनेजरियल स्टाइल में, तो आप उसको डिनोट करेंगे 1-1 से। ठीक है, जहां पे मिडिल रोड की बात आएगी तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय 5-5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि लो कॉन्सिडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर किस में होगा, किस तरह से इसको डिनोट किया जाएगा, हाई टीम टीम हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कॉन्सिडरेशन को किस तरह से डिनोट किया जाएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सो आपका ये रहे चारों स्टाइल्स जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे फ्रेड ई फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल। ठीक है, सो फ्रेड ई फिडलर का क्या कॉन्टिजेंसी मॉडल है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन सेशंस को, जो भी मैंने सेशंस अब तक लिए हैं यूनिट 4 से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है तो अच्छी बात है, एंड उसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कर सकते हैं जो कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट दे ऑल्सो कैन अवेल द क्लासेस एंड दे कैन बेनिफिटेड गेट बेनिफिटेड बाय माई क्लासेस। आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ समबडी इज यू नो गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई क्लासेस, माई सेशंस। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।